गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। अभी सुबह के 11 बजे हैं और मेरा सेवा लग चुका है। और अभी ना मैं जाऊंगी पीछे। तो आज है ना कार्तिक मास का दूसरा दिन। पहले दिन को मैं कुछ कर नहीं पाई थी, मैं दीप दान नहीं कर पाई थी, ठाकुर जी को दीप दिखा नहीं पाई थी। सो इस वजह से आज मैं सोच रही हूँ कि शाम को ठाकुर जी को दीपदान करूँगी। तो किस किस तरीके से दीप का जो सेवा होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिससे मुझे आता है। वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कार्तिक मास का, क्योंकि मुझे ना पहले कभी आया नहीं था। और जो दीपदान कहते हैं वो मैं करूँगी। तो उसके लिए हमें चाहिए सूखा दाल तुलसी रानी का। तो फिर हमें अभी जाना पड़ेगा तुलसी रानी के पास, जो कि देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सूखा है कि नहीं। तो चलो और हम लोग टहनी लेके आते हैं सूखा वाला। और आज मेरे हस्बैंड देखो कितना काम कर रहे हैं, देखा। तो मुझे चाहिए सूखी डाली तुलसी का से शुकनो डाला से। तो देखो इतना सही मिला मुझे इस पेड़ से। और अभी मैंने लगाया था भोग, तो चलो अभी हटा देते हैं हम। और प्रियतम ने आज पहना है रेड, तो मैंने थोड़ा सा रुई भी ले लिया है। और हमें ना इस साइज़ का बना लेना है, जो टहनी है इसको तोड़ तोड़ के इस साइज़ का बना लेना है। देखो मेरे एक उंगली बराबर जैसा बना लेना है। तो इसको हम फटाफट से बना लेते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं मिला लेकिन ये बहुत है, तो चलो इनको अभी रेडी करते हैं। तो देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है। अभी इसमें ना हमें जो कॉटन है उसको लपेटना है। देखिए इस तरीके से हमें रुई को लपेट लेना है। तो कुछ इस प्रकार से हमें बना लेना है। और ये मैं शाम को ही जला के दिखाऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा घी लगा लो, या फिर आप जिस तेल से पूजा करते हैं उस तेल से आप लोग इसमें जोत जला के फिर आप ठाकुर जी को दिखा सकते हैं। और ये मैं ना पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है। तो मुझे जिस तरीके से आया मैंने उस तरीके से आप लोग के साथ शेयर किया है। और मैं अपने ठाकुर जी को इसी से ही सेवा लगाऊंगी। और मुझे ना घर में इंडोर प्लांट लगाने का बहुत मन करता है, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये वाला मैं अंदर लेके आ गई। और आज जो है ना मैंने सोफे की क्लीनिंग की, क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया था। तो मैं वो तो दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो अब इसको ना अंदर रख देते हैं, क्योंकि फिर माधव देखिएगा ना तो दिक्कत करेगा। तो इसी में रख देती हूँ मैं फ़िलहाल। तो आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाऊँ, मेरे स्पाइडर प्लांट में ये स्पाइडर जैसा स्टिक टाइप का आ रहा है। तो ये बहुत जल्दी देखो, और इसमें सदाबहार कितना फ्री में, किसी को चाहिए तो बताना। ये हमारे घर में तो ये परमानेंटली होता रहता है ये। आज ना बहुत जल्दी काम हो गया है, क्योंकि कल रात को ना बहुत सारा काम करके मैंने रख दिया था, तो इसलिए आज बहुत जल्दी काम हो गया है। और मैं आज ना थोड़ा सा फ्रीली बैठी हूँ। और प्लस ना मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा टाइम मिल गया है, और ये स्कूल से आ भी गया है। ये आया था करीब 11 बजे। तो अभी ना हम घर आ गए हैं। देखो कितना कुछ लिया है मैंने। चलो इसको पहले लगाते हैं, उसके बाद माधव को लेके आएंगे। हाँ उससे पहले मुझे जाना है थोड़ा मार्केट, क्योंकि मुझे ना प्रकाश कहाँ लगाओगे कहाँ लगाओगे ये वाला। तो यहाँ पे तो बहुत कुछ है, यहाँ पे मत लगाओ। देखो इसमें फूल भी आने लग गए। क्या चीज ये लगा। देखो यहाँ से भी ये निकाल के कहीं और लगाना है। अभी निकाल देती हूँ फिर। तो हमने घूमने के लिए निकले थे, तो अचानक से एक बहुत ही सुंदर सा फूल का पौधा दिखा, तो वो हम टहनी तोड़ के लेके आए। तो बाल्टी में मैंने भर लिया पानी, और पौधा लगाने के साथ साथ पानी भी नहीं है। तो
टेढ़ा मेढ़ा क्यों लगा रहे हो? सीधा हो जाएगा। ये किधर है? उधर पता नहीं, सिंपल वाला लग रहा है मेरे को। है? सिंपल वाला लग रहा है। अलग अलग काट के लगाना पड़ेगा। मैं काटता हूँ, रुको। यहाँ पे लगाने वाले हैं, वैसे तो जंगल है, यहीं पे लगाओ। तो यहाँ पे लगाया जा रहा है पीछे जी। चलो देखो, सब्जी का हमने लगा दिया है। अब मैं ना पानी डाल देती हूँ यहाँ पे। देखो बिल्ली, तो जिस किसी को भी लेना है ना कुछ भी कॉस्मेटिक का, तो यहाँ पे आए तो बहुत सुंदर सुंदर, देखो ब्रेसलेट है, बहुत सुंदर सुंदर देखो। और क्या देखो, करवा चौथ का भी है, अरे खत्म हो गया पर। तो देखो ये दुकानदार तो ये फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और राधव के मम्मी पापा को ना दोनों को पता है कि मुझे बहुत पसंद है ये वाला फूल खाना, इसका बड़ा खाना, क्योंकि मैंने एक बार जाके ज़िक्र किया था कि ये मैंने ना बचपन में खाया था, मेरे घर में पेड़ था तो ये वगैरह वगैरह बोला। जब भी फूल होता है तभी ये लोग मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं, तो मैं ले नहीं पाती हूँ। लेकिन आज जो है मुझे राधव के पापा ने ये प्यारा सा गिफ्ट दिया है, तो राधव के पापा ने मुझे प्यारा सा गिफ्ट दिया, और एक जो कि ये देखो मेरे बालों में बांध दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ देख अच्छा सा बना देना, वो खोपा टाइप मत बनाना। तो फिर उसने मेरे बालों में ना मतलब पोनीटेल कर दिया, और बहुत प्यारा लग रहा था सीरियसली। तो इसका गिफ्ट बहुत प्यारा प्यारा गिफ्ट है। अब देखो ये बोला है ऐसे रहन दे, मैंने कहा कि नहीं मेरा बाल ख़राब हो जाएगा। लेकिन साइड से माधव के पापा बूझे और राधव के पापा को चिढ़ा रहे थे, देखो राधव और माधव, ठीक है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माधव सो गया है, उसके नानी के घर पे जाके सो गया था, तो ऐसे ही हम उठा के लेके आ गए। देखो जरा ये देखो बर्फ, देखो ये बर्फ जम गया है फ्रिज के अंदर, दिखाओ। ये देखो निकाल दिए मैं, देखो हालात देखो, पूरा बंद हो गया, ये बर्फ जम सकता है, ऐसा क्यों हुआ है? अरे निकाल निकाल के देखो ऐसा रखा है, ये देखो प्लग निकाल देता हूँ ना, क्या पता करंट वरंट आ जाए। तो ये पता नहीं कब से ऐसे ही हो रखा है, पहले तो ऐसे जमता नहीं था, पता नहीं वो ना दिक्कत हो गया होगा बटर। तो देखो कितना सारा साफ कर दिया है, और ये इतना सारा मिला मुझे बर्फ, और इसमें ना मैंने एक देखो एक ही स्मूदी डाल के रखा है, ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं पीऊँगी। तो अभी तो ढक के रखते हैं।